ग्रह दान। जब आपकी कोई ग्रह विपरीत हो कुंडली में, आपके ग्रह आपका साथ ना दे रहे हैं, तो दो उपाय सबसे उत्तम होते हैं। एक होता है उन ग्रहों का मंत्र जाप और दूसरा होता है उन ग्रहों का दान। कई बार लोग सोचते हैं कि हम कोई रत्न पहन लेंगे या कोई और उपाय कर लेंगे पंडित द्वारा, लेकिन उतना फलदायी नहीं होता। क्योंकि जैसे अगर आपके ग्रह कोई अस्त हो या कमज़ोर हो या नीच के हो, उस समय आपके पास दूसरा विकल्प नहीं बचता, आपको निरंतर उन्हें शक्ति देनी पड़ती है। अगर आप निरंतर शक्ति नहीं देंगे तो वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। जैसे आप भोजन रोज करते हैं, एक दिन आप भोजन ना करें तो क्या हो? यही हाल ग्रहों का। आइए जानते हैं ग्रहों के दान कौन कौन से, किसको किसको करना है, कौन से ग्रह के लिए चींटियों को क्या दान करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का दान जो होता है वह होता है गेहूं का आटा। चींटियों को आप गेहूं के आटे का दान कीजिए, नित्य कीजिए, इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। सूर्य का कलर लाल होता है, इसलिए आप किसी लाल चीज का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि लाल मिठाई भी चलेगी। और सबसे उत्तम रहेगा अगर आप सूर्य का दान हर रविवार को करें, रोज करें तो बहुत ही अच्छा है अगर आपका सूर्य ग्रह खराब है। अब बात करते हैं चंद्र की। सूर्य किसी भी कुंडली में पिता का रूपक होते हैं, वे क्रूर ग्रह है, लेकिन वैसे ही चंद्र शीतल ग्रह है, वे माता के रूपक है, चंद्र अर्थात मन। इसलिए चंद्र के दान में हम सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद मिठाई भी चल सकती है, साथ ही साथ चावल हो गया, चीनी हो गई, मिश्री हो गई। और चंद्र का दान सोमवार को होता है, मंत्र हमने आपको बताया भी हुआ है, जैसे कि ओम सोम सोमाय नमः। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल देवता एक प्रकार से कहा जाए तो क्रूर ग्रह ग्रह कहे जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। ये मंगल दोषी बनाते हैं, अंगारक दोषी बनाते हैं, लेकिन साथ साथ राजयोग के कारक भी है कई कुंडली में। इसलिए अगर आपका मंगल नुकसानदायक है आपकी कुंडली में या विपरीत प्रभाव डाल रहा है, तो मंगल का दान है गुड़ या लाल मिठाई। लाल मिठाई अर्थात लाल कलर या ऑरेंज कलर, केसरिया कलर और शक्कर, ये आप चींटियों को डालें। मंगलवार को डालना ना भूलें, इससे आपके मंगल पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और मंगल ग्रह शांत होगा और आपको अच्छे परिणाम देने लगेगा। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह जो है वह देवता और दानव दोनों का मित्र है कई जगहों पर, बस मंगल और चंद्र को छोड़कर के। बुध अर्थात हरा कलर, बुध अर्थात बुद्धि। बुध के दान में आप हरी चीज़ों का उपयोग करें, खास करके जब आप चींटियों को दान करें, आप हरी मिठाई का दान कर सकते हैं, मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, चींटियों को आप दाना डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप गाय को आप हरी घास, पालक, हरी चीज़ का सेवन कराए, वह भी शुभकर होगा। ये दान आप बुधवार को करें। अब हम गुरु की बात करते हैं। गुरु अर्थात ज्ञान। लेकिन जब किसी की कुंडली में गुरु विपरीत प्रभाव डालता है तो व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो गुरु के दान के लिए पीली चीज़ चाहिए, जैसे कि पीली दाल, हल्दी वाला चावल, अर्थात सब पीली चीज, पीली मिठाई भी चलेगी। और गुरु का दान जो है वो गुरुवार के दिन किया जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र देवता जो कि आपके ग्लैमर के लिए सहायक है, आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुक्र का एक बहुत बड़ा महत्व है मंगल के साथ साथ, इसलिए शुक्र के दान में अक्सर सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई। सफ़ेद चीज़ें शुक्र में भी चलती है चंद्र के साथ साथ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब शनि की बात करते हैं। शनि से लगभग हर कोई डरता है, सबको लगता है शनि की साढ़े साथी आ जाएगी, शनि की ढैया आ जाएगी, हमें नुकसान देगी। लेकिन क्या आपको पता है शनि जो है वह न्याय के देवता है। शनि ऐसे ही आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, वे आपके विकर्मों का विनाश करते हैं। इसलिए शनि से आपको डरना नहीं चाहिए। अगर शनि का कोई प्रकोप है
तो उसको निकालने का प्रयत्न करें, उसके लिए आप काला तिल का दान करें। साथ ही साथ नीली मिठाइयाँ शनि के दान में अति उत्तम रहता है। शनि के लिए दिन होता है वो होता है शनिवार, उनके लिए शुभ है नीला कलर। अगर हम राहु की बात करें तो राहु की दान के लिए बाजरे का आटा, सतनजा और अर्थात काले कलर की जो चीज़ें होती हैं, इनका दान अगर आप चींटियों को करते हैं तो इससे राहु ग्रह शांत होता है और आपको उससे लाभ मिलता है। राहु का दान भी शनिवार को ही किया जाता है। शनि राहु केतु इनका दान वैसे सूरज अस्त होने के बाद करना सुविस्कर रहता है। अब हम केतु की बात करते हैं। केतु का दान में सतनजा, सफ़ेद तिल या फिर काली चीज़ें इनका प्रयोग किया जाता है। सतनजा क्या होता है? सात तरह के अनाज, या यूं कहें सात अलग अलग प्रकार, सात अलग अलग कलर के अनाज होते हैं। सतनजा आपको पंसारी के दुकान में मिल जाएगा, तो आप चींटियों को सतनजा का दान कर सकते हैं राहु और केतु दोनों के लिए, और इनका दान भी करना है शनिवार के दिन। ये है सभी ग्रहों के दान, कुल मिला के नौ ग्रह कहे गए। नौ में सात मुख्य ग्रह है और दो छाया ग्रह, राहु और केतु छाया ग्रह है। अगर आप इन ग्रहों का दान चींटियों में करते हैं इससे पुण्य मिलता है और आपके विक्रम विनाश होते हैं। यही नहीं, जो भी ग्रह पे विपरीत परिणाम पड़ता होगा आपकी कुंडली में किसी भी जगह किसी भी ग्रह का, उसका उपाय आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप नित्य इन ग्रहों का दान करते रहें। आप इनको चींटियों को ही नहीं, यह दान आप पक्षियों को भी कर सकते हैं, इससे भी आपको वही परिणाम मिलेगा और लाभ होगा। हर व्यक्ति को हम सलाह देंगे कि आप अपने विपरीत ग्रहों को देखते हुए इस तरह के दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन के संकट, आपके जीवन के कष्ट और कुंडली पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का नाश हो सके।